हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारे पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता, पूरे दिन भूखा रह जाता है लेकिन खाना खाना नहीं चाहता है। मुंह में दो तो खाना रखे रहता है या फिर उगल देता है। बच्चा बहुत वीक होता जा रहा है और अगर खाता भी है तो फिर मोबाइल या टीवी देखकर ही खाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बच्चे की भूख कैसे बढ़ाएं, बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या करें और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए बच्चे को खाना देते वक्त। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है, बच्चे को खाना कैसे खिलाएं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को खाना और दूध दोनों आपको उम्र के हिसाब से देना है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो बच्चे को हमेशा दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें और बच्चे को सॉलिड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर बच्चा पूरा दिन सिर्फ दूध पीता रहेगा तो बच्चे का पेट भरा रहेगा और बच्चा खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। साथ ही साथ जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो, उस वक्त बच्चे को आपको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में खाना देना है ताकि बच्चा आसानी से खा ले। कई बार बच्चे इस वजह से ही खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको जो है उनके तरीके से खाना नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है, जब बच्चा 9-10 महीने का हो जाता है तब बच्चों की टीदिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चों के गम्स जो है वो चबाना खाना चबाने के लिए तैयार होते हैं। उस वक्त आपको बच्चा थोड़ा सेमी सॉलिड खाने के लिए तैयार होता है, आप बच्चे को उस वक्त थोड़ा सेमी सॉलिड खाना दें। नेक्स्ट जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चों के 1 से 2 दांत आ ही जाते हैं, उस वक्त आप बच्चे को जो खाना बस मैश करके और खिला दें। ये जो है बच्चा को खाना खिलाने का सही स्टेज होता है ताकि बच्चा खाना आसानी से खाना सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को खाना खुद से खाने दें। जब बच्चा खुद से खाना खाता है तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, वो उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, न्यू एक्सपीरियंस होता है, बच्चा काफ़ी इंजॉय करता है। आप ये कर सकते हो, बच्चे को चम्मच आप बच्चे के हाथ से खुद पकड़कर आप बच्चे को खिलाना सिखा सकते हो। इसे भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और धीरे धीरे खाना खाना सीखते हैं। शुरुआत में आप बच्चे को फ्रूट की प्यूरीज दें, ये इसमें जो है नेचुरल स्वीटनर होता है जिससे बच्चा जो है आसानी से खाता है और धीरे धीरे बच्चे को खाने की आदत होती है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा खेल रहा होता है वो सबसे अच्छा समय होता है बच्चे को खाना खिलाने का। उस वक्त आप बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, कभी आप खीरा दे दें, रोटी दे सकते हैं, कोई फ्रूट दे सकते हैं, जिससे बच्चा जो है वो खाना जो है वो सीखे और इंजॉय करे कि हाँ इसका टेस्ट कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को रोज़ाना एक ही चीज़ खिला खिला कर बोर मत करें। बच्चे के लिए नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाइए, यूट्यूब पे इतनी सारी रेसिपीज़ है, कुछ नया ट्राई कीजिए जिससे बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट सिखाए। नेक्स्ट है कि बच्चों की फीडिंग टाइम को जो है वो फिक्स कर दे। बच्चे को हमेशा एक टाइम पर और एक ही बर्तन में खाना खिलाएं, इससे बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे के खाने का टाइम है और बच्चा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बच्चे को खाना खिलाते हो तो उनके फीडिंग टाइम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, बच्चे से बातें करिए, उन्हें आप पोएम सुनाइए, मोबाइल या टीवी में नहीं आप सुनाइए, इसके साथ बच्चों के थोड़ा सा खेलिए, उनको अलग अलग टॉयज दिखाइए, उनको आप पोएम सुनाइए। इस तरीके से बच्चे जो खाना खाने में जो इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चा खाना खाना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप खाना खाते हो तो बच्चे को अपने साथ बैठाइए। क्या होता है, इससे बच्चा देखकर ही सीखता है, तो जब बच्चा आपको खाता देखेगा तो बच्चे के मन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर एक्साइटमेंट आएगी कि हम भी खाते हैं, तो इस तरीके से बच्चा जो है खाना सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे खाने के लिए। आप रोज़ाना बच्चे को कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर लेकर जाइए जिससे बच्चे का मेंटल ग्रोथ तो अच्छा होता है, ये साथ ही साथ बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है जिससे बच्चे की भूख बढ़ती है और बच्चा जो है वो खाना खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को खाना देते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। बच्चे को बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना दे 2 साल तक। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर ना करें। हर बच्चा अलग होता है, उनकी जीन अलग होती है, उनका ग्रोथ अलग होता है, इसलिए आपका बच्चा जैसा है उसमें ही खुश रहे और अपने बच्चे के हेल्थ पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को खाना खिलाने से 1 घंटे पहले आपको बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को खाना खिलाते वक्त आपको टीवी, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।